हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है सुनीत राम और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक फॉर इन्फो। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मोस्ट पावरफुल पेन ड्राइव के बारे में, जिसकी मदद से आप मल्टीपल डिवाइस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकेंगे, या वायरस या मालवेयर को रिमूव करना है, या अपने कंप्यूटर के पासवर्ड को भूल चुके हैं तो इजीली रिकवर कर सकेंगे और बहुत सारी चीज़ें कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर, वहाँ पर देखते हैं किस तरह इस पावरफुल पेन ड्राइव को क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड, में आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और उसके बाद मैं बता दूं कि आपको कम से कम 32 GB का पेन ड्राइव को यूज़ करना है, क्योंकि हम बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारे टूल को इंस्टॉल करेंगे पेन ड्राइव के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर वेंटोई सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा, तो इसे मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर वेंटोई मुझे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है, तो मैं इसे विंडोज़ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ मुझे नीचे आना है और यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन इस पर क्लिक करूँगा मैं, और ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो फिर देखिए डाउनलोड हो चुका है, चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे मुझे एक्सट्रैक्ट करना होगा तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं, चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद वेंटोय को इंस्टॉल करना होगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर येस कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुझे जो पेन ड्राइव सेलेक्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, तो मैं मेरे 32 GB का पेन ड्राइव मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा हूँ तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। तो आप इसे चाहे तो सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से। तो मैं अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मुझे सिंपली इंस्टॉल करना होगा, ये मुझे फॉर्मेट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जो भी पेन ड्राइव में डाटा है वो सब डिलीट हो जाएगा, तो आप पहले बैकअप ले लीजिए, उसी के बाद ही आप अपने पेन ड्राइव में वेंटोय को इंस्टॉल करिए। तो चलिए येस कर देता हूँ, फिर से येस कर देता हूँ और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर ये देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने पेन ड्राइव को दिखाता हूँ। चलिए पेन ड्राइव मेरे जो 32 GB है, देखिए वेंटोय के अंदर चेंज हो चुका है। मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे एम्प्टी है, देखिए कुछ है नहीं यहाँ पे। तो चलिए अब मुझे ISO फाइल को डाउनलोड करना होगा और अदर टूल्स को। तो फिर सबसे पहले मुझे केसपर्स की रेस्क्यू डिस्क डाउनलोड करना होगा, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा सबसे पहले इसे डाउनलोड करिए। इसके मदद से जितने भी वायरस मालवेयर और हैकिंग टूल है वो आपको रिमूव कर सकेंगे। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ और ये ISO फाइल डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुझे विंडोज़ 11 का ISO को डाउनलोड करना होगा, तो मैं इसके स्क्रॉल करता हूं और नीचे यहां पे देखिए सेलेक्ट करता हूं मल्टीपल एडिशन ISO और डाउनलोड पे क्लिक करता हूं। उसके बाद मुझे लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, लैंग्वेज कंफर्म कर देता हूं और यहां पे 64 bits मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं। इसी तरह विंडोज़ 10 भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मुझे काली लिनक्स डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पर मैं रिकमेंडेड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे 64 bit सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर डाउनलोड, तो मैं इसे डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ और ये ISO डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुझे Ubuntu डाउनलोड करना होगा, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर आयरन बूट CD डाउनलोड करना होगा, जिसके मदद से आप ट्रेबल शूट कर सकते हैं, डाटा रिकवरी कर सकते हैं, या ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम हो, या विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 के पासवर्ड को रीसेट करना हो तो आप इजीली कर सकेंगे। उसके बाद हम टेल ISO को डाउनलोड करेंगे। टेल ISO बेसिकली प्लग एंड प्ले ISO है, इसके मदद से हम इंटरनेट पर कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं विदाउट ट्रेसिंग एनीथिंग। उसके बाद हम डाउनलोड करेंगे gpartition, जिसके मदद से हम अपने हार्ड डिस्क को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि अपने पार्टीशन को डिलीट करना हो, रिसाइज करना हो, या MBR टू GPR में कन्वर्ट करना हो, या लेबल चेंज करना, और बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर मेडिकेट USB, इसे भी डाउनलोड कर लीजिए, इसके मदद से आप बहुत सारे ट्रेवल शूट कर सकते हैं। इन सब को यूज़ करके मैं ग्रेटेस्ट पेन ड्राइव क्रिएट करूँगा। अगर आप चाहते हैं और ISO को डाउनलोड करने और ऐड करने तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो फिर मैंने जितने ISO डाउनलोड किया हूँ तो मैं अब इस पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करूँगा, तो सिंपली मैं इसे ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस पेन ड्राइव में मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये बहुत टाइम लेगा क्योंकि वन पार्टीशन से एक पेन ड्राइव में कॉपी हो रहा है, तो ये लगभग टाइम लेगा, तो इसे कॉपी होने देते हैं। तो फिर देखिए ये कॉपी हो चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर Ubuntu, काली लिनक्स, केसपर्स, टेल, Ubuntu, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, तो ये पेन ड्राइव के अंदर आप कॉपी हो चुका है। तो चलिए आप इसे यूज़ करके देखते हैं। तो मैं इसे वर्चुअल मशीन के अंदर अपने कनेक्ट करूँगा और वहाँ पे देखते हैं किस तरह इसे ISO को इंस्टॉल कर सकते हैं, या कोई भी ट्रेवल शूट करना चाहे तो उसे कर सकते हैं। तो फिर मैंने वर्चुअल मशीन को अपने स्टार्ट कर लिया और मैंने अपने पेन ड्राइव को भी कनेक्ट कर लिया हूँ। तो चलिए मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद देखिए BIOS आपको इस तरह का शो, तो ये आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप पे डिपेंड कर सकता है, आपको डिफरेंट BIOS शो कर सकता है। और यहाँ पे मैं अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एडिशनल आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको ये पेन ड्राइव काम ना करे तो आप सिक्योर बोर्ड को डिजेबल कर दीजिए, उसके बाद ये पेन ड्राइव काम करने स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब वेंटोय पेन ड्राइव स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे देखिए मल्टीपल जितने मैंने ISO इंस्टॉल किया यहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है। यहाँ पे जैसे विंडोज़ 10 है, Ubuntu है, टेल है, केसपर्स की है,
काली नीलेक्स है, आयरन बूट सीडी है, जीप पार्टेड है, इन सब को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं आईएसओ को इंस्टॉल करना हो या कोई भी ट्रेवल सूट करना चाहता हूँ तो इजीली कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा था ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पेन ड्राइव है। तो फिर ये मोस्ट पावरफुल पेन ड्राइव किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया हो, तो अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो को एंड करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो एडिशन में एडिट कराना या वेबसाइट डिज़ाइन कराना या कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करी, फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विथ नॉमिनल प्राइस में। ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और एक आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं टेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।